हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, मेरे उन भाइयों के लिए जो दोस्तों कहते हैं कि सीएनजी गाड़ी बढ़िया नहीं चलती, सीएनजी गाड़ी का दम निकल जाता है, झटके ले रही है, लोड ले रही है, एसी चलाने पे दिक्कत कर रही है। तो दोस्तों उन सब चीज़ों का सोल्यूशन आज मेरे पास है। आपकी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको दोस्तों ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये गाड़ी का बूट ओपन कर लिया है। दोस्तों ये हमारी टोमेस्टो कंपनी की लगी हुई सेंट्रो, न्यू मॉडल सेंट्रो है, लगी हुई सिक्वेंसल किट है। ये सिक्वेंसल किट जो टोमेस्टो कंपनी की है, यही हुंडई में जो है कंपनी से आती है, लेकिन दोस्तों ये आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगी हुई है। ये दोस्तों रिड्यूसर है, ये दिख रहा हो आपको रिड्यूसर, क्योंकि हुंडई में रिड्यूसर की जगह यही होती है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना। ये इसका ECU है, जिस तरीके से हमारा जो पेट्रोल का ECU होता है, इस तरीके से CNG का ECU है। ये मैप सेंसर है, ये एडवांसर है, ये इमरजेंसी प्लग है, ये इंजेक्टर रेल, और दोस्तों ये फिटिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी में कितनी नीट एंड क्लीन फिटिंग हुई हुई है। सबसे बड़ा रोल दोस्तों गाड़ी में फिटिंग का भी होता है कि गाड़ी में फिटिंग कैसी हो रखी है, गाड़ी चलने के ऊपर जो बात है कि गाड़ी कैसी चल रही है, सबसे बड़ा रोल है। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा टोमेस्टो कंपनी का है ये। तो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी का दम निकलना, गाड़ी झटके लेना। तो दोस्तों जब हमारी गाड़ी में फिटिंग हो जाए, तो दोस्तों सबसे पहले जब गाड़ी की आप ट्यूनिंग कराएं, तो दोस्तों ये होता है हमारा एयर फिल्टर। दोस्तों एयर फिल्टर को फिटिंग के समय से ही नया लगाएं। जब दोस्तों अपना नया फिल्टर लगा देंगे, तो सबसे बड़ी बात दोस्तों गाड़ी को एयर का कंजप्शन सही होगा, तो गाड़ी में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं हम फिल्टर के बाद जो नंबर आता है, फिल्टर के बाद दोस्तों नंबर जब प्लग का आता है, तो दोस्तों प्लग भी नए लगवाने की कोशिश करें, दिखा लें अपने मैकेनिक को, अगर हाँ प्लग ठीक हैं आपकी गाड़ी के, तब उसकी ट्यूनिंग कराएं। तो दोस्तों गाड़ी की ट्यूनिंग बढ़िया हो जाए, तो दोस्तों फिर उसमें क्या होता है, जैसे कुछ टाइम बाद गाड़ी में झटके आने शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, ये एयर फिल्टर, गाड़ी का एयर फिल्टर खोलना है और एयर फिल्टर को क्लीन करा दो दोस्तों एकदम। जब आप एयर फिल्टर को क्लीन करा दोगे, तो दोस्तों झटके तो 75% तभी ख़त्म हो जाएंगे गाड़ी के। और दोस्तों अगर तब भी गाड़ी के झटके ख़त्म नहीं होते हैं, गाड़ी एसी चलाने पे लैग कर रही है, एक्सलेटर देने पे या ओवरटेक करने पे लैग कर रही है, दोस्तों फिल्टर के बाद नंबर आता है हमारा यहाँ नीचे प्लग का। अब हम अपनी गाड़ी के प्लग खोल के चेक करेंगे कि कोई सा प्लग ख़राब तो नहीं है। जब हमारी गाड़ी का कोई प्लग ख़राब हो जाता है, तो भी गाड़ी हमारे झटके मारने शुरू कर देती है। फिर हम गाड़ी के प्लग चेक करेंगे, तो 99% फिर हमारे प्लग के ख़राब होने के चांस हैं। प्लग को खोलें, प्लग को अच्छे से ख़राब हो चेंज करें, गंदे हो रहे हो ना अच्छे से साफ़ करें, और उनके बीच में जो गैप होता है प्लग के पिन के बीच में जो गैप होता है, पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ी में अंतर होता है, सीएनजी में गैप को थोड़ा कम कराएं, 0.5 mm के आसपास वो गैप आपको रखना है। अगर उसके बाद भी गाड़ी आपकी दिक्कत कर रही है, झटके मार रही है, फिर हमें आना है, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से, ये जो लीड होती हैं, ये प्लग की जो लीड होती हैं दोस्तों, ये जो लीड हैं फिर इन्हें चेक करना है। ये लीड यहाँ से होके और ये यहाँ पर कनेक्ट होती हैं इस जगह, फिर ये लीड चेक करनी है, फिर ये लीड ख़राब होगी। इसके बाद अगर आप लीड भी चेक कर लेते हैं, लीड भी आप नई डाल देते हैं, प्लग भी सब कुछ सही कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी गाड़ी के झटके 100% ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों जब आप पहली बार सीएनजी लगवाते हैं, फ़िल्टर नया लगवा के, प्लग नया लगवा के, या प्लग सही बढ़िया साफ़ करा के ट्यूनिंग कराते हैं, उसके बाद बार बार गाड़ी की ट्यूनिंग ना कराएं दोस्तों, कहीं ना कहीं गाड़ी के इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम गाड़ी को ट्यूनिंग कराते हैं बार बार, तो बार बार ट्यूनिंग नहीं करानी है, बस एक ही बार ट्यूनिंग करानी है। अब दोस्तों एक मैं चीज़ और दिखाने वाला हूँ, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी गाड़ी सर्दी में 2 किलोमीटर चल गई, 3 किलोमीटर चल गई, तो सबसे पहले ये चेक करें दोस्तों, यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ से शायद फोकस हो जाए, देखिए दोस्तों ये जहाँ पर ये आपको टेप लगी दिख रही होगी गाड़ी के अंदर, दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर होता है हमारा टेम्परेचर सेंसर, ये जो हमें दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये हमारे रेडिएटर के पाइप पे टाई के थ्रू और टेप के थ्रू बांधा जाता है।
इसे भी चेक करें दोस्तों, पहले यहाँ बांध के चेक करें, अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो ये होज पाइप चेंज करके किसी दूसरे होज पाइप पे बांध दें जो हमारे रेडिएटर के पाइप हैं। इससे आपकी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया टेम्परेचर पर आ जाएगी, और तब भी नहीं आती है तो फिर अपने ECU से, ये जो हमारा मैप सेंसर के पास से ही हमारा एक प्लग होता है, ये इसे लैपटॉप से कनेक्ट करा के उसके टेम्परेचर को कम करा दें, ये सोल्यूशन भी आपका हो जाएगा। दोस्तों मेन चीज़ जो झटके वाली है, जो लोग परेशान होते हैं, इसे गैप को कराओ आप कम, जो प्लग वाला गैप है प्लग को चेक करो। और दोस्तों ये एयर फिल्टर ही गाड़ी की जान होती है, अगर आपका एयर फिल्टर साफ़ नहीं है तो गाड़ी आपकी दिक्कत करेगी करेगी, इस फिल्टर को साफ़ करके रखो। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, हर 2000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर और 5000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी के अगर आप प्लग साफ़ कर देते हैं तो आपकी गाड़ी कभी कोई दिक्कत नहीं करेगी, पता भी नहीं चलेगा आपको कि गाड़ी जो है पेट्रोल चल रही है CNG चल रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए आपको तो मेरे चैनल पर कमेंट करें, अपना फ़ोन नंबर कमेंट में डालें, मैं खुद आपको फ़ोन करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें, आपका अपना ही चैनल है। थैंक यू दोस्तों।